बहुत बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, कई जगह पूछा जाता है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी है, या कई जगह पे ये पूछा जाता है नेट सैलरी कितनी है आपकी। इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है, यानी अकाउंट में कितना पैसा आता है। तो इन सभी चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि जो नए एम्प्लॉय होते हैं वो समझ नहीं पाते, और वहां पर उल्टा सीधा उनके मुंह से निकल जाता है। और आपका जो सीटीसी फाइनल होता है उस कंपनी में, यानी सिलेक्शन होता है, सीटीसी फाइनल होता है, तो वहां पर कुछ गड़बड़ सा सीटीसी हो जाता है। तो कभी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको इन चीजों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो होती है जिसमें एचआरए या किसी भी तरह का बोनस जुड़ा हुआ नहीं होता, या उसके अंदर से कोई भी टैक्स कटौती नहीं होती किसी भी रूप में कोई भी टैक्स कटौती नहीं होती। जब आपका सैलरी स्लिप आपको मिलता है तो उसमें बेसिक सैलरी होती है, एचआरए होता है, कन्वेंस होता है, एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, और वहां पर वो सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा उसमें डिटेक्ट होता है पीएफ घट जाता है, और तो उसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो ये चीज होती है कि उसमें ना कोई ओवरटाइम जोड़ा जाता है, ना कोई बोनस जोड़ा जाता है, और ना ही किसी भी तरह की उसमें से टैक्स कटौती होती है। आपका जो सीटीसी होता है उसका 40 से 45% बेसिक सैलरी अधिकतर होती है। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। तो दोस्तों, ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें एचआरए यानी बेसिक सैलरी है, एचआरए है, कन्वेंस है, अलाउंस है, इसके अलावा जो आपका ट्रेवलिंग है वो एक फिक्स उसमें जुड़ा होता है। एक्सपेंस अगर आप सेल्स में है तो एक्सपेंस को भूल जाइए, टीएडीओ को भूल जाइए, उसको अलग रखिए, उसका कोई यहां पर काम ही नहीं है। तो आप अपनी सैलरी स्लिप में देखेंगे तो एचआरओ होगा, बेसिक होगा, कन्वेंस होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा अलाउंस होगा। ये चीज होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जिसमें से कोई भी पीएफ या कोई भी टैक्स कटा नहीं होता, कटने से पहले की धनराशि होती है, तो ये होती है ग्रॉस सैलरी। और नेट सैलरी क्या होती है? तो जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से अब आपका पीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा टैक्स होगा वो कटेगा। उसके बाद जो सैलरी बचेगी, जो हर महीने आपके अकाउंट में डाली जाती है, अकाउंट में आती है, वो होती है नेट सैलरी, जिसको हम टेक होम सैलरी भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली बार इंटरव्यू में इन चीजों का फर्क समझिएगा और बताइएगा तो आपके बहुत ही काम आएगा।